बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं कभी ब्लैक बोर्ड के नीचे बैठ रहा होता था, कभी अपने टेबल पर बैठ के अपने जो साथ स्टूडेंट मेरा जो कुलीग था उसको मैं बोलता था मुझे ब्लैक बोर्ड से देख के बताओ क्या लिखा हुआ है। मेरे अब्बू मुझे किसी विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल में नहीं डालना चाहते थे क्योंकि वो मुझे एहसास ही नहीं देना चाहते थे कि मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ या ब्लाइंड हूँ। ज़्यादा बिजनेस आगे नहीं चला पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी मुश्किलात थी, मेरा साथ देने वाले कोई नहीं था। ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई जेएस बैंक में और मैं 2 साल से यानी 25 महीनों से मैं यहाँ पर, बहुत अच्छा मेरा काम है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पर मैंने ई स्टेटमेंट पे काम किया, अब मैं मोबाइल बैंकिंग पे काम कर रहा हूँ, डांसर भी रहा हूँ, मुझे डांस भी आता है। मैं छोटा था तो जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरी आईसेट वीक होना शुरू हुई, जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे मैक्यूलर डीजनरेशन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कॉनराड डिस्ट्रॉफी है। ये वही डिज़ीज़ है जो मेरे वालिद महरूम हैं उनको भी यही थी, मेरी वालदा को भी यही है, मेरी एक सिस्टर हैं उनको भी यही है, वो बड़ी सिस्टर है मुझसे। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त टेंशन में आया कि मैंने अपने अम्मी अब्बू को भी इस तरह देखा और मुझे भी अब यही डिज़ीज़ है, मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। उम्र छोटी थी लेकिन फिर भी उस वक्त से मैंने सोचना शुरू कर दिया। ये एक आई कैंसर है मैक्यूलर डिजनरेशन और दुनिया में बहुत कम लोगों का है। बहरहाल मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की नासरा स्कूल से, साइटेड स्कूल में, क्योंकि मेरे अब्बू मुझे किसी विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल में नहीं डालना चाहते थे क्योंकि वो मुझे एहसास ही नहीं देना चाहते थे कि मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ या ब्लाइंड हूँ। तो मैंने नासरा स्कूल में पढ़ा और वहाँ मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं कभी ब्लैक बोर्ड के नीचे बैठ रहा होता था, कभी अपने टेबल पर बैठ के अपने जो साथ स्टूडेंट मेरा जो कुलीग था उसको मैं बोलता था मुझे ब्लैक बोर्ड से देख के बताओ क्या लिखा हुआ है। कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पे भी इस तरह से मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे मेरे फादर ने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है, तुम आ जाओ बिज़नेस में आओ। मेरे फादर बिज़नेस मैन थे, ब्लाइंड थे लेकिन अच्छे समझदार आदमी थे, उन्होंने बिज़नेस किया हुआ था और वो एक दुनिया की अच्छी बड़ी कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर थे पूरे पाकिस्तान के लिए। वो सबसे पहले तो मेरे जो हीरो हैं वो मेरे फादर हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अपने अब्बू से डर उस वक्त लगता था कि उनको कहीं ये ना पता चले कि मैंने किसी से कहा है कि मेरी आईसेट वीक है और मेरी हेल्प करो, क्योंकि वो ये कहते थे कि किसी से हेल्प, ठीक है हेल्प लेना पड़े तो लो लेकिन किसी को ये जाहिर मत करो कि तुम्हारी आईसेट वीक है, तुम कमज़ोर हो। तो मैंने उनसे कुछ, मैं कॉलेज भी जाता था, खुद अकेला जाता था, अकेला आता था और वहीं से मैं अपने ऑफिस चला जाता था। वहाँ पर से मैंने बिज़नेस सीखा। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और वो मैं ज़्यादा बिज़नेस आगे नहीं चला पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी मुश्किलात थी, मेरा साथ देने वाले कोई नहीं था। मैंने बहरहाल फिर भी जापान से इम्पोर्ट की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज से और फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान होकर और घर बैठ गया। फिर मैंने दोबारा से और अपनी NGO जो है वो जो आगे कोर्सेज किए और मेरी फिर जॉइनिंग यहाँ पर हुई जेएस बैंक में और मैं 2 साल से यानी 25 महीनों से मैं यहाँ पर, बहुत अच्छा मेरा काम है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पर मैंने ई स्टेटमेंट पे काम किया, अब मैं मोबाइल बैंकिंग पे काम कर रहा हूँ, इससे पहले और मैंने मुख्तलिफ काम किए हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, जो मेरे सीनियर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, वो सब बहुत कोऑपरेट करते हैं, बल्कि यहाँ जितने भी कोलीग्स हैं सब ने मेरा साथ दिया, हमारी पूरी टीम का साथ दिया और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, तंज नहीं किया। मैं मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है बचपन से ही। तो मैं जो हूँ वो ताइक्वांडो सीखा हुआ है और स्कूल में जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी वो कॉलेज तक मैंने वो उसके भी क्लासेस ली, वो भी मैंने एक जूनियर ब्रिगेड थी उसको ज्वाइन किया। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ का मुझे यूँ शौक़ है कि मैं सुबह के टाइम जब उठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज से पहले उठ जाता हूँ, अजानों से भी पहले उठकर मैं नमाज की तैयारी करता हूँ। नमाज के बाद मैं रनिंग के लिए जाता हूँ और वो मेरा एक मखसूस ख़ास एक एरिया है जिसमें मैं उस जगह पर कोई भी नहीं होता,
मैं अंदाजे से जितना भाग सकता हूँ भाग लेता हूँ। 4 या 5 महीने पहले एक फिटनेस कंपटीशन हुआ था और मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और सबसे ज़्यादा डिप्स मैंने यहाँ पे लगाए थे। मुझे आतिफ असलम पसंद है और मैं गा नहीं सकता लेकिन सुनता हूँ। आतिफ असलम से कभी अगर मुझे मौका मिला तो उनसे मैं ज़रूर मिलूँगा। और मैं जो हूँ डांसर भी रहा हूँ, मुझे डांस भी आता है, ब्रेक डांस में कर लेता था। मेरा यूट्यूब पे 2 परफॉर्मेंस हैं जो मैंने की हैं, तो मुझे थोड़ा सा शौक था, अब नहीं है। इसके अलावा मुझे शौक़ है एक्टिंग का, लेकिन मुझे कभी चांस नहीं मिला। अगर मुझे कभी चांस मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना ये शौक़ भी पूरा करूँगा।